शिवपुरी क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को केदारनाथ में बादल फट जाने के कारण वहां फंसे हुए श्रद्धालुओं से फोन पर बात की। केंद्रीय मंत्री को उनके लोकसभा क्षेत्र के लोगों की केदारनाथ में फंसने की सूचना मिली थी। केंद्रीय मंत्री ने तुरंत एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात कर बचाव कार्यक्रम के माध्यम से बदलवास के लोगों को जल्द नीचे लाने का आग्रह किया था। केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से संपर्क में थे ताकि किसी शिवपुरी बदलवास वासी को रात में परेशानी ना हो। मंत्री सिंधिया ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है और मैं हूं ना सभी को सुरक्षित लेकर नीचे आऊंगा, आप सभी चिंता मत करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ी चिंता थी। मैंने उत्तराखंड के सरकार के साथ भी पूरी बात करके आप लोग सुरक्षित रहें, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की। अब सबको वहाँ कह देना मेरी निगरानी है, कोई चिंता ना करें और जो हमारे बाकी 8-10 लोग हैं वो भी आज सुरक्षित पहुँच जाएंगे। अभी 11 लोग और ऊपर, हाँ मालूम है, उनको भी मैं ला रहा हूँ, चिंता मत करना, मैं हूँ ना, आप चिंता मत करो। और वहाँ सबको मेरा प्यार दे देना, हाँ मेरा प्यार दे देना और कह देना कि मैं चिंता कर रहा हूँ, चिंता ना करें कोई भी। नहीं, मैं अभी आपका फोन ऑन करके मैं सबको सुना देता हूँ आपकी भाषा। हाँ ठीक है, सुनिए केंद्र सांसद जी सिंधिया जी कुछ कहें। सभी लोग को मेरे तरफ से आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सभी निगरानी रख रहा हूँ, सभी को सुरक्षित वापस लाऊंगा मैं और सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, अपना ख्याल रखना। ठीक है ठीक है गोपाल जी, अपना ख्याल रखिएगा और कोई और कुछ और भी जरूरत पड़ेगी मुझे सीधा फोन कर लेना। ठीक है ठीक है।